उज्जैन सिटी बस के संचालन के टेंडर में नगर निगम के अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करी, जिसमें निगम को लाखों रुपए का नुकसान होगा। सिटी प्रेस क्लब पर आयोजित पत्रकार वार्ता में आराध्य केयर के संचालक देवेंद्र वर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया, नगर निगम में वर्तमान टेंडर 1851 रुपये प्रति माह की दर से किया गया है, जबकि मैंने 7531 रुपये प्रति माह की दर से भरा था। टेंडर ओपनिंग की तारीख 10 फरवरी थी, लेकिन उस दिन टेंडर नहीं खोला गया, ना ही टेंडर ओपनिंग के समय मुझे बुलाया गया, ना ही टेंडर निरस्त होने की जानकारी दी गई। नगर निगम अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया के दौरान कई नियमों की अनदेखी की है, जिसमें नगर निगम को प्रति माह लाखों रुपये का चूना लगेगा। विधायक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी को बाले बाले लाभ पहुँचाने के लिए उक्त सारा कृत्य किया गया है। इस प्रक्रिया के जुड़े अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री से की जाएगी, जिसके कारण नगर निगम को प्रति माह लाखों रुपये के राजस्व की हानि होगी। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अगर इंडिया के अंदर टेंडर को खोलने की नियम शर्तें सभी जगह, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, जो समय सीमा दी गई है उसमें खोलना अनिवार्य है। बिल्डर को बुलाना उसकी भागाई भी है सब तुम्हारे पास थी उसकी। जी हाँ, लेकिन लगाना थी इसमें यार, निराकरण नहीं निकला तो इसकी शिकायत आगे भी मैं करूँगा। कोर्ट में कोर्ट जाओ ना, कोर्ट में चैलेंज करो। चैलेंज करेंगे ना, अभी इनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि ये समिति के पास में गया है। आश्वासन किसने दिया आपको? निगम आयुक्त ने दिया है, बिल्ड प्रभारी ने दिया। कौन है बिल्ड प्रभारी? बिल्ड प्रभारी विजय गोयल। विजय गोयल कि ये अभी आगे के लिए प्रारूप में दिया गया है, आने वाले कितनी बसों का था ये टेंडर? 25 बसों का टेंडर। आपके विजय गोयल छोड़ते हो, इसमें लोकल की भी बसें हैं और आउटर की भी। लोकल कितनी है भारी? लोकल में 2 रूट है और 4 रूट जो है वो बाहर के आउटर है। मतलब ये 4 में तो बाहर की बसें हैं। अपना तपोभूमि, कालिदा महल से तपोभूमि, कालिदा महल से तपोभूमि और नाना खेड़ा का 531 रुपये ने वहाँ लेते 251 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से महीने दिया। के लिए आप लोगों का सहयोग लेना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज यदि किसी भी टेंडर को खोला जाता है तो बिल्डर को सबसे पहले बुलाया जाता है। जिस समय टेंडर खोला गया उस समय बिल्डर, मैं और विनायक टूर एंड ट्रेवल्स, हम दो ही लोग बिल्डर थे जिसमें मुझे अवगत नहीं कराया गया। मुझे न बुलाते हुए अपने आप परवारों टेंडर खोल दिया गया। पहली चीज, जिस दिन तारीख होती है उसी दिन टेंडर को खुलना, ये शर्तों के अंदर नियमों के अंतर्गत होता है। पहले सर्वप्रथम तो इन्होंने एक काम किया कि जो 30 तारीख के दिन टेंडर होना था वो 30 तारीख को शाम के 4:30 बजे उस टेंडर को निरस्त करके उसकी तारीख बढ़ा दी। आगे वाली तारीख उन्होंने 10 तारीख कर दी कि 8 तारीख को बिल्डिंग होएगा, 10 तारीख को ओपन होएगा। 10 फरवरी 8 तारीख को बिट को खुलना था जिसे नहीं खोला गया। जब 5:30 बजे बिट नहीं खोली गई, कोई टेलीफोन नहीं आया, मैंने फोन लगाया, फोन से मुझे टेलीफोन से बताया गया कि नगर के अंदर मुख्यमंत्री व विधायक सांसद आ रहे हैं, इसकी वजह से सारा प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, अतः ये कार्यक्रम इनके जाने के बाद किया जाएगा। जो अपने नगर के अंदर जितने भी सांसद विधायक वगैरह आए थे वो 13 तारीख को यहाँ से जा चुके थे। यदि उन्होंने कहा था तो 14 तारीख को ओपन कर सकते थे, लेकिन 14 को भी ओपन नहीं करा, 18 के दिन ओपन करा, उसकी भी मुझे सूचना नहीं दी गई। बाद में मैंने फ़ोन लगा के उनसे पूछा तो बोले हमने टेंडर खोल लिया है और 1851 रुपये प्रति माह प्रति बस की दर पे टेंडर विनायक टूर एंड ट्रेवल्स को दिया गया है। मैंने ऐसा क्यों, मुझे क्यों बाहर किया गया? बोले आपके बिट के अंदर आपने पीएफ का सर्टिफिकेट नहीं लगाया। टेक्निकल मिस्टेक बताई जबकि मैंने उसके अंदर जब मेरा पीएफ का सर्टिफिकेट उज्जैन साइट डाउनलोड करने में जो था सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से मैंने उस पर रिटर्न में लेटर लिख के लगाया था कि मेरा टेक्निकल इशू के कारण पीएफ का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पाया है, अतः जब भी बिट खुलेगी मैं हार्ड कॉपी के रूप में आपको सम्मिलित करूँगा। उसके बाद में बोला कि बोले आपने टेक्निकल बिट के साथ में फाइनेंशियल बिट इंक्लूड कर दी है, जबकि यदि मैं टेक्निकल के अंदर में अप्रूव हो जाता हूँ तो फाइनेंशियल बिट तो ऑब्वियसली ओपन होनी होनी है, क्योंकि यदि टेक्निकल फाइनेंशियल जो आपने जो फाइनेंशियल रेट लिखते हैं कि कितनी गाड़ी का क्या रेट आपने दिया, तो ये आपने गलत किया। बोले इसकी वजह से आपका टेंडर निरस्त कर दिया गया। ये छोटी सी एक त्रुटि है,
आज माली हालत नगर निगम की ऐसी नहीं, ऑटो वाला यदि एक सिंगल लाइन देता है तो 200 रुपए मिनिमम चार्ज लेता है, चरखी वाला चरखी लगाता है तो 30,000 रुपए की चरखी लाता है, वो 300 रुपए रोज ले रहा है। जिन्हें 30,000 का व्यक्ति 300 रुपए रोज ले सकता है, लेकिन 9,00,000 रुपए मिनिमम कीमत, जिसको कहते हैं डिसमेंटल कीमत, बस की डिसमेंटल कीमत 9,00,000 रुपए मिनिमम होती है, उस चीज का इक्विपमेंट 61 रुपए लगाया गया और उसको आगे प्रेषित कर दिया गया पास आउट के लिए। कारण क्या है इसके, आपको क्या लगता है क्या कारण है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।